हेलो एवरीवन, वेलकम टू पूनम्स किचन रेसिपीज़। आज मैं पालक और आलू की बहुत ही डिलीशियस सब्ज़ी की रेसिपी लेके आई हूँ। पालक की सब्ज़ी सुनने में थोड़ा फीका सा लगता है, लेकिन इसे हम थोड़ा अलग तरीके से बनाने वाले हैं और ट्रस्ट में इसका टेस्ट आपको इतना अच्छा लगेगा कि आप इसे ओकेजनली भी बना के खाएंगे। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने 500 ग्राम के करीब पालक लिया है, इसे मैंने वॉश कर लिया है। पालक का कलर बरकरार रहे इसके लिए हम इसे ब्लांच करेंगे। ब्लांच करने के लिए मैंने पहले से पानी गर्म होने के लिए रखा था। तो चलिए हम इस पालक को इसमें डाल देते हैं। हमें इसे बस 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरह से बॉयल होने देना है। दो से तीन मिनट हो चुके हैं, तो चलिए हम इसे डायरेक्ट ठंडे पानी में इस तरह से ट्रांसफ़र कर लेते हैं। जब तक ये ठंडा हो रहा है, तब तक हम नेक्स्ट स्टेप की तैयारी कर लेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ 3 मीडियम साइज़ के आलू को इस तरह से क्यूब्स में काट लिया है और यहाँ मैंने कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच ऑयल लिया है। तो चलिए अब इस सारे आलू को हम इसमें डाल देते हैं और इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। जब तक आलू फ्राई हो रहा है, तब तक हमने जो बॉयल किए हुए पालक को ठंडे पानी में रखा था, उसका हमें स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेना है। ये देखिए, पेस्ट बिल्कुल रेडी है और यहाँ आलू भी गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो चलिए हम इसे निकाल लेते हैं। और अब सेम कढ़ाई में हम थोड़ा सा ऑयल और डालेंगे और इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच जीरा और साथ ही साथ इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज का बारीक चॉप किया हुआ प्याज। इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक भूनने देंगे। प्याज अच्छी तरह से भून चुके हैं, अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। हम इसे कुछ देर के लिए भून लेंगे। अब इसमें जाएगा 2 मीडियम साइज के टमाटर की प्यूरी, साथ ही साथ 2 से 3 हरी मिर्चें स्लिट की हुई, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 बड़ा चम्मच जाएगा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का। नमक हमने अभी तक इसमें नहीं डाला है। अब इन सभी मसालों को हम 4 से 5 मिनट के लिए ढककर भूनेंगे। बीच में आप इसे 1-2 बार ज़रूर चला लें। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, मसाले बिल्कुल भूनकर तैयार हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे पालक की प्यूरी जो हमने ग्राइंड कर रखा था। साथ ही साथ इसमें जाएगा मक्के का आटा। ध्यान रखें, ये मक्के का आटा है, कॉर्नफ्लावर नहीं है। मक्के का आटा हल्का सा येलोइश होता है, ये डालने से थोड़ी स्वीटनेस आ जाती है इसमें, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। वैसे आप इसके बिना भी बना सकते हैं। तो बस अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। यहाँ मैं 1 गिलास पानी ले रही हूँ। साथ ही साथ अब इसमें डालेंगे स्वादानुसार नमक। बस अब हम इसे ढककर 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे। 4 से 5 मिनट हो गए मुझे इसे पकाते हुए और मैंने इसे बीच में चलाया भी था। तो अब इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच गरम मसाला। अब इसके टेस्ट को इन्हांस करने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 चम्मच के करीब घर की फ्रेश मलाई। आप इसकी जगह पे अमूल क्रीम भी ले सकते हैं। इन सभी को हम अच्छी तरह से चलाकर मिक्स कर लेंगे। बस अब हमने जो आलू फ्राई करके रखे थे वो इसमें ऐड करेंगे और बस 2 मिनट के लिए इसे ढककर कुक होने देंगे। वाह, आप देख सकते हैं कितना अच्छा बनकर तैयार हुआ। इसकी ग्रेवी भी बिल्कुल परफेक्ट है। और अब हम गैस को बंद करते हैं और सर्व कर लेते हैं। इसका टेस्ट आपको बिल्कुल पालक पनीर की याद दिलाएगा। आप चाहें तो इसे नान, पराठे, रोटी, राइस किसी के भी साथ खाएंगे तो बहुत ही डिलीशियस लगता है। आप भी बनाइए इसे और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन।